लोग कहते हैं कि दुनिया में भगवान नहीं है। बहुत सारे ऐसे मिल जाते हैं, उनका कहना है कि दुनिया में भगवान नाम का कोई चीज ही नहीं है। देखो मान लिया, आप कहते हैं भगवान नहीं है, चलो मान लिया, लेकिन अगर भगवान नहीं है तो वो कौन है जो हमें सुलाता है, और वो कौन है जो हमें जगाता है? अगर भगवान नहीं है तो कौन है जो हमें सुलाता है, जो हमें जगाता है? अगर भगवान नहीं है तो पेड़ की डगाली पर जो चिड़िया बैठी रहती है, और जब हवाएं चलती हैं तो चिड़िया गिरती नहीं है, कौन है जो उसकी रक्षा करता है? कोई तो है। अगर भगवान नहीं है तो जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके पास दांत नहीं रहता, तो उसके लिए भोजन की व्यवस्था कौन करता है? वो बच्चा टिफिन लेके तो नहीं आता, कौन है? अगर भगवान नहीं है, आप और हम तो गरम गरम भोजन करते हैं ना, ताजा ताजा एकदम विटामिन ए बी सी डी वाला। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए दाना नहीं है। ज्यादातर देखना हो तो रेलवे स्टेशन चले जाइएगा, लोग खा करके आधा फेंक देते हैं और कूड़ेदान से वो व्यक्ति उठा करके खाता है और उसको कुछ नहीं होता। आप और हम अगर दो दिन का बचा हुआ खा लेंगे ना तो तबीयत खराब हो जाएगा, लेकिन उसको कुछ नहीं होता। क्यों? कोई तो है। जिनके पास घर है वो अपने घर में ठंडी के मौसम में बैठे रहते हैं, जिनके पास नहीं है उसका क्या? वो तो बाहर में किसी के छाया में, पेड़ की छाया में पूरी रात गुजार देते हैं, ठंडी में ठिठुरते रहते हैं। आप और हम जूता मोजा स्वेटर दस्ताना रूम हीटर दुनिया भर की व्यवस्था, उस पे भी गर्म पानी, और उसका क्या? वो तो पेड़ के नीचे बैठा है ठिठुरते रहता है, मिला तो मिला नहीं मिला तो राधे राधे, और उसको छींक भी नहीं आती, उसको सर्दी नहीं होती। क्यों? कोई तो है जो उसकी रक्षा कर रहा है। हमारे पास में है तो हम दिन भर हाथ धोते रहते हैं एकदम शुद्धता से, है हमारे पास तो धो रहे हैं, और जिसके पास नहीं है उसका क्या? हम अपने बच्चे को दुनिया भर का क्रीम पाउडर जॉनसन बेबी एन तेन सब लगाते हैं, और दूसरा कोई जब बच्चे गोदी पाता है तो बोलते हैं छूना मत, हाथ धो के आओ, संक्रमण फैल जाएगा। और जिसके पास नहीं है उसका क्या? हमारा बच्चा गिर जाता है, चोट लगता है, तुरंत डेटॉल लगाते हैं, तुरंत ओहो मेरा बच्चा गिर गया। और जिसके पास नहीं है उसका क्या? उसका बच्चा गिरता है तो उल्टा थूक को निकाल के लगा लेता है। कौन है जो उसकी रक्षा कर रहा है? कोई तो है जो अमीर की भी सुनता है, गरीब की भी सुनता है, पढ़े लिखे की भी सुनता है, और जो पढ़े लिखे नहीं है उनके भी सुनता है। कोई तो है जो बोलने वाले की भी सुनता है, कोई तो है जो मूक है बोल नहीं सकते उनकी भी सुनता है, और जो है उसी का नाम है ईश्वर, उसी का नाम है परमात्मा, उसी का नाम है भगवान। अब चाहे उसे राम कहो, चाहे श्याम कहो, चाहे शंकर कहो, चाहे दुर्गा कहो, नाम अलग अलग। एको अहम दूती ना अस्ति, वो एक ही है, दूसरा कोई नहीं। कोई तो है जो सबकी सुनता है। आप बोल सकते हो तो आप भजन गाते हो, आप मंत्र जाप करते हो, आप पाठ करते हो, क्योंकि आपके पास वाणी है। और जो बेचारा गूंगा है उसका क्या? वो तो नहीं बोल सकता, तो क्या भगवान उसके नहीं सुनते? भगवान उसके भी सुनते हैं। इससे ये बात सिद्ध होता है कि कोई तो है जो हमसे कहीं परे है,
जिसकी तुलना भी हम नहीं कर सकते। कोई तो है और जो है उसी का नाम है ईश्वर, उसी का नाम है परमात्मा, उसी का नाम है भगवान। मैंने कल की कथा में बताया था मनुष्य के पास बहुत कुछ शक्ति है लेकिन मनुष्य मृत्यु को नहीं रोक सकता, उसके पास वो शक्ति नहीं है। मनुष्य समय को नहीं रोक सकता, आप नहीं रोक सकते समय को, चाहे कोई हंसे चाहे रोए, तू जो चाहे वही हो, समय को नहीं रोक सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई है जो हमसे भी परे है, कोई तो स्थान है जहां से लोग आते हैं और कोई तो स्थान है जहां लोग चले जाते हैं, कोई तो स्थान है और जो स्थान है उसी का नाम है ईश्वर, उसी का नाम है परमात्मा, उसी का नाम है भगवान।